यदि हम यहाँ पर जो कोर्स आ रहे हैं वो हम डेटा वैलिडेशन में जाकर के ऐड कर रहे हैं, यानी यहाँ पर टाइप कर रहे हैं डेटा वैलिडेशन में जाकर के, लिस्ट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और टाइप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम बाय द वे कोर्स और भी कोर्स चाहते हैं तो हमें हर बार जाकर के ऐड करना पड़ेगा, खास तौर पे तब जब हमारे कोर्स या क्लास ज़्यादा हो, अधिक मात्रा हो। तो उसकी बजाय हम क्या करें कि यहाँ पर एक लिस्ट बना के रख लें जो भी हमारे कोर्सेस हैं, या तो इसमें हम बना के रख लें या एक हमारी सीट ही हो जिसमें हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे इतने कोर्सेस हैं, जितने भी ज़्यादा इस संख्या में है। उस स्थिति में फिलहाल के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं। फिलहाल के लिए हमारे कोर्सेज की हम यहाँ पर लिस्ट बना देते हैं। और इस कोर्सेज में हम अपने कोर्स डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे DCA, PGDCA, CPCT और फिलहाल के लिए टेलिए, ठीक है। ये चार कोर्सेस हैं। तो जो हमारे यहाँ पर कोर्स है इनका हम ड्रॉपअप चाहते हैं, और कहाँ चाहते हैं, सीट नंबर 1 पर। कहाँ से कहाँ तक चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम D2, शिफ्ट कंट्रोल एरो डाउन डाउन पूरे में आ जाएगा। देन हम जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिस्ट लेंगे, और यहाँ जहाँ सोर्स में टाइप करते थे वहाँ पर ये एरो का सिंबल दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करिए। देन आपकी जो सीट जिसमें कोर्स है वहाँ पर जाना है और इनको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे D2, सॉरी हाँ D2, ये D2 से यदि और भी इसमें आगे बढ़ना है तो उतना आप सिलाई कर लीजिए जितने आपके कोर्सेस है। आपको लगता है कि अनलिमिटेड है तो पूरा भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इतना नहीं करेंगे, इतना हमारा सफिशियंट है। या आप यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हैं, ये डॉलर लगा D26 तक, आप चाहें तो D260 भी दे सकते हैं। एक डिजिट बढ़ाएंगे, ये 2600 तक हो जाएंगे, ये 26,000 हो जाएंगे, ये 2,60,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना नहीं करते हैं, 260 ठीक है, ठीक है। फिर एरो को क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो इस रेंज में यानी C2 पर हाइफन ऑटोमेटिक आ गया है, डॉलर के सिंबल ऑटोमेटिक लगे हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ रेंज उसको बता देना है। एंड ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ जाएगा, और इस ड्रॉप डाउन में जो भी आप कोर्स सिलेक्ट करेंगे, तो फिलहाल तो चार ही आ रहे, बोले कि इसका बेनिफिट क्या मिला। तो बेनिफिट ये मिलता है कि आपका कोर्स बढ़ेगा तो आप यहाँ पे टाइप करिए, जैसे टैली के साथ में एक और हम जोड़ देते हैं बेसिक। तो ये बेसिक आ जाएगा। बेसिक आने के पर आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन में पाएंगे कि अब आपका बेसिक कोर्स इसमें ऑटोमेटिक जुड़ गया है। और बेसिक की हमने हालांकि फीस अभी डिक्लेयर नहीं किया है, तो जो बेसिक की फीस होगी वो ऑटोमेटिक आगे आ जाएगी। कैसे लाना है उसके लिए हम वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे फिलहाल के लिए। यहाँ पर हमने अभी तो कोर्स के अकॉर्डिंग उसकी फीस लेके आए हैं हम यहाँ पर, यानी इस कोर्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इफ़ कंडीशन लगी हुई है, लेकिन हम इफ़ के द्वारा नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे कोर्सेज ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कोर्स की फीस हम इस सीट में ऐड कर देंगे। नया कंसेप्ट जो है आज का वो ये कि हम कोर्स की फीस भी हमारी सीट नंबर फर्स्ट सॉरी सेकेंड है, सेकेंड में डाल रहे हैं। ये हमने डाल दिया, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर ओनली एडवांस एक्सेल की फीस और जोड़ देते हैं, एडवांस एक्सेल भी जोड़ दिया और उसकी फीस भी हम जोड़ देते हैं 1000, ये जोड़ दिया। तो एक कोर्स भी हमारा बढ़ गया और उसकी फीस भी यहाँ पर बढ़ गया।
कोर्स है ये कॉलम और ये है हमारा सीट, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम वापस सीट वन पर, और हम चाहते हैं कि जो भी कोर्स है यहाँ सिलेक्ट करें उसकी फीस यहाँ पर आ जाए, इस कोर्स की असल में फीस इतना है। तो एक तो तरीका हमने इफ के माध्यम से पिछले क्लास में देखा था, यहाँ हमने किया था इफ D2 इक्वल PGDCA हो तो उसकी फीस ये आए, उसमें से जो भी था वो फीस माइनस कर दिया था हमने, फिर D2 DCA हो तो उसकी फीस CPCT। लेकिन अब यहाँ पर लिमिटेड की हम बात नहीं कर रहे कि और भी कोर्स ज़्यादा हों, खासतौर पर जैसे स्किल इंडिया के कोर्स चलते हैं 100-150 कोर्स रहते हैं, अब कब तक इतनी सारी कंडीशन लगाएंगे, 100-150 कंडीशन तो नहीं लगा सकते। तो हमने किया कि हमने कोर्स और उसकी फीस एक जगह बना कर रख दिया, और वो फिक्स है, वो कोई भी कर सकता है क्योंकि वो वन टाइम करना है हमें फिलहाल के लिए। हम यहाँ पर इस कोर्स के हिसाब से उसकी फीस लाना चाहते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर लगाने वाले हैं वी लुकअप। ऐसे तो बाद में आता है लेकिन अब बात आ ही गई तो हम सीधे सीधे मैनेज करके आपको बता रहे हैं। वी लुकअप यानी होता है वर्टिकल लुकअप। दो फॉर्मूले जो एक्सेल में बखूबी बहुत काम आने वाले हैं और वर्तमान समय में इनका खूब यूज होता है, यानी जिसको वी लुकअप आता है कहा जाता है कि एक्सपर्ट है, लेकिन तरीके कई हैं। एक बेसिक तौर पर वी लुकअप अभी आ जाएगा तो बोले सर इसमें तो जरा सा ही तो था, इसमें नया क्या था, लेकिन उसके कई तरीके हैं वी लुकअप के, कई कंडीशन के आधार पर आता है। फिलहाल अभी हम कंडीशन में नहीं समझेंगे, बहुत आसान से समझेंगे वी लुकअप। अब वी और एच दो होता है, तो वी लुकअप क्या करेगा, वर्टिकल चलता है, और एच लुकअप क्या चलेगा, हॉरिजेंटल चलता है, बस इतना सा है फिलहाल के लिए। अभी हमें वर्टिकल डेटा, क्योंकि हमारा डेटा ऐसे में है तो हमें वी लुकअप की आवश्यकता लगने वाली है। तो यहां पर हम कॉल करेंगे वी लुकअप को, कहां जरूरत है, जहां जरूरत है वहां पर हम कॉल करेंगे। तो फिलहाल के लिए इफ का जो फॉर्मूला लगा है, इसको हम शिफ्ट कंट्रोल डाउन देन डिलीट करेंगे तो ये पूरा फॉर्मूला डिलीट हो गया, और यहां पर हम कॉल कर रहे हैं इक्वल वी लुकअप, ठीक है। जैसे हमने वी लुकअप का कॉल किया तो बोल रहे हैं लुकअप वैल्यू, आपको जो वैल्यू लुकअप करना है वो वैल्यू आपको यहाँ पर देना है, किसके आधार पर लुकअप करना है, तो लुकअप करना है हमें इस वैल्यू को, यानी PGDCA की वैल्यू को। तो हमने दिया उसका सेल एड्रेस, तो यहाँ D2 में जो भी लिखा है उसके आधार पर सर्च करना है। कॉमा बोल रहा है टेबल अरे, वह टेबल जिसमें ये नाम हो और इसकी वैल्यू आप जो चाहते हो वो आपको बताना है। तो वह टेबल कहाँ पर है, वो टेबल हमारी Sheet 2 में, तो हम Sheet 2 में गए, और ये टेबल रो और कॉलम से टेबल मिलकर बनती होती है, तो हमने इस टेबल को सिलेक्ट किया। यदि ये टेबल और आगे तक है तो आप आगे तक ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, इधर भी और आगे जुड़ना है कोई चीज़ तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जितना भी आप सिलेक्ट करेंगे फिलहाल के लिए हम ये मान के चलें कि इतना ही है, या फिर आप ऐसे सिलेक्ट करके माउस से असक्षम है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं 0 0 1500 तक हो जाएगा, 0 15000 तक हो जाएगा, यानी उतने रो तक चला जाएगा ये मामला, ठीक है। तो ये नंबरिंग पर आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, अभी 150 तक का हमने मामला सेट कर दिया। कॉमा लगाएंगे, फर्स्ट कॉमा लुकअप वैल्यू का है, देखिए फॉर्मूला खुद बता रहा है, सबसे पहले लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल अरे, तो ये टेबल हो गया। फिर बोला कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर यानी जहां से आपने सेलेक्ट किया ये टेबल है पूरा, और उसका इंडेक्स ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकेंड है, ये थर्ड, जो आपका टेबल सेलेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉलम 1 ये है यहाँ, नहीं, अब हम उस टेबल को मान रहे हैं, टेबल अपने आप में पूरी है, उस टेबल में जहां से आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका फर्स्ट इंडेक्स नंबर होगा, कॉलम का पहला नंबर, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा वी लुकअप में कि जिसके आधार पर डेटा एक्सेस करना है वो फर्स्ट के रूप में माना जाए, यदि यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है तो इसके आधार पर सर्च करना है क्या, ना जी ना, हमें तो कोर्स के हिसाब से चाहिए, यानी हम सेलेक्ट कहाँ से करेंगे, कोर्स से, ठीक है। एक बार हम आपको इससे बता देंगे और फिर सीरियल नंबर से बता देते हैं। तो हमने यहाँ पर Sheet 2 -ऑटोमेटिक आ गया, ये सिलेक्ट किया तो खुद ही आ गया, D1 से F150 तक का किया, D1 यहाँ से सिलेक्ट किया है तो F51 तक का मामला हमने सेट कर दिया। फिलहाल कॉमा लगाएंगे, अब बोल रहा है सॉरी, ये तो टेबल अरे हुआ, टेबल अरे के बाद हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, डबल कॉमा लग गया है तो वो अगली वैल्यू मांग रहा है, हमें सिंगल लगाना है, डबल का भी मीन अलग हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब है कि कॉलम इंडेक्स नंबर दे दिया गया है। तो कॉलम 1 है और हमें वैल्यू कौन से की चाहिए, 2 की, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो हम यहाँ पर वह कॉलम नंबर देंगे जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, हमने दिया 2। 2 देने के बाद
वैल्यू अप्रोक्स मैच करें या एक्सेस मैच करें, तो हमने कहा अप्रोक्स मैच करें, इसके लिए हम देते हैं 0, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो जो कोर्स यहाँ है उसकी फीस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोर्स देखिए आप, PGDCA है तो 13,500 आ रहा है। हम कोर्स चेंज करके देखते हैं कि क्या ऐसा सही में हो रहा है। तो हमने यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट किया DCA, फीस क्या गई 12,000। कहाँ से आया? टेबल से, कि उस टेबल में इस सीरीज में कौन बैठा है। तो जो कोर्स बैठा है उसके आगे उसका कॉलम वैल्यू क्या है वो यहाँ से उठा करके खुद ही दे देगा। यहाँ पर कोई कंडीशन ऐसी नहीं लगी इफ वाली, कंडीशन यही है कि इसके आगे कौन सा वैल्यू बैठा है, जो भी उस कॉलम का वैल्यू है वो यहाँ पर दे देगा। फिलहाल एक चीज़ और हम यहाँ पर डाल रहे हैं, और चीज़ शब्द तो गलत है, कंटेंट करेंगे, बाकी मालवी के शब्द हैं तो कहीं ना कहीं भाषा में आ जाता है। तो सीरियल नंबर हमने डाला और सीरियल नंबर 1, 2 इस प्रकार से हमने डाला, दोनों को सिलेक्ट किया और डबल क्लिक कर देते हैं, तो सीरियल नंबर यहाँ तक का आ गया है। ठीक है, और भी आगे का निकालना है आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन हमें सीरियल नंबर के आधार पर वैल्यू नहीं चाहिए जिसका भी हमने जिक्र किया था। तो हम कैसे लगाएंगे, फिर से VLOOKUP ऐसा कैसा आपको बता रहे हैं, यहाँ पर एक बार फिर से लगा लें VLOOKUP, क्या करेंगे इक्वल VLOOKUP खुद ही आ जाएगा। तो आप टैप बटन प्रेस कर दिए, टाइप करने की जरूरत नहीं है। क्या मांग रहा है लुकअप वैल्यू किसके आधार पर चाहते हैं, बोले इस वैल्यू के आधार पर यानी D3 कॉमा टेबल अरे कहाँ से कहाँ तक का चाह रहे हैं। तो हमारा सीट 2 पर है, हमने यहाँ से सिलेक्ट किया ये टेबल, लेकिन यहाँ से सिलेक्ट हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसके आधार पर वैल्यू नहीं उठाना है, किसके आधार पर उठाना है ये, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे, यानी हमारे लिए इंडेक्स यही है, तो जिसके आधार पर वैल्यू मान उठाना है उसको हम फर्स्ट मानेंगे। वर्टिकल वी लुकअप इधर ही चलेगा, इधर नहीं चलेगा, इसके लिए एक्स लुकअप है 365 में, पर अभी वो वेट करें उसके लिए, अभी तो हम सब काम इसे कर देंगे। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला DGET का होता है, वो भी बहुत काम आएगा हमारा फिलहाल के लिए। तो हम इसको D1 से सिलेक्ट करेंगे, यदि और भी आगे आपको संभावना लगती तो इधर का पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते, इधर कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए हमने टेबल को सिलेक्ट किया कॉमा, कौन से कॉलम में वैल्यू हमारी, यदि आपने यहाँ पर 1 दिया तो PGDCA की वैल्यू PGDCA ही आएगी, क्योंकि PGDCA के कॉलम के फर्स्ट PGDCA, DCA का DCA, CPCT का CPCT है। फिलहाल देख लेते हैं इसको करके, 0 कोष्टक बंद एंटर CPCT आया। आप DCA सेलेक्ट करिए क्योंकि कॉलम 1 की वैल्यू 1, टेली का टेली है, हमें वैल्यू कौन से कॉलम की चाहिए, हमें 2 का चाहिए, तो यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या दे देंगे हम 2। ठीक, एक का निकाला, सब पहले आप अप्लाई करना। अब जब आप यहां पर सभी का अप्लाई करते हैं यानी खींचेंगे, सीधी सी बात है फॉर्मूला डबल क्लिक करके, तो कुछ मामले में तो आ गया, कुछ में हैज वैल्यू दिखा दी, तो बोले ऐसा क्यों किया। तो जब आप किसी रेंज को खींचते हैं तो हमने देखा कि इनके वैल्यू सेल एड्रेस चेंज हो जाते हैं, यानी यहाँ पर जैसे ये फॉर्मूला लगा हुआ है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू इसने उठाई D2 की, इसको आगे जब खींचा तो यहाँ पे किसकी उठाई D3 की। अब हम वी लुकअप वाले मामले में जाते हैं तो यहाँ पर मामला आ रहा है D1 से F1 तक का, F1 नहीं ऐसे 150 है, पर D1 से स्टार्ट हुआ F1, यहाँ पर जाकर देखो तो D1 यहाँ पर हमने फिर से लगाया था, यहाँ पर जाके देखें तो क्या किया इसने D2 से, यानी क्या हुआ कि जब सेल रेंज को खींचा तो यहाँ पर D2 ना लेकर के D3 ले लिया, यानी आगे बढ़ता गया। तो एक समय ऐसा है जहाँ पर खाली है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे कोर्स तो सभी के लिए यही लागू है, यानी इसका मतलब यह है कि हम यहां पर जब लागू कर रहे हैं तो इसमें भी D1 से ही स्टार्ट होगा, D2 है सॉरी, D1, यानी इसमें भी D1 से स्टार्ट होगा, 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 जबकि अभी क्या है D3 है, यानी वैल्यू सेल वैल्यू चेंज हो गई। तो यदि कोई सेल वैल्यू चेंज होती है और आपको वैल्यू चेंज नहीं करना है तो उसे आप कर सकते हैं लॉक, क्या कर सकते हैं लॉक कर सकते हैं। लॉक का यदि प्रोसीजर हम देखें तो यहाँ जो ड्रॉप डाउन हमने बनाया था डेटा वैलिडेशन में, हम जाते हैं यहाँ पर आप देखेंगे डॉलर के सिंबल बैठे हुए, मतलब कि दोनों तरफ डॉलर लगा, मतलब कि ये वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, तो हम यदि
अपने इस फॉर फंक्शन में भी वैल्यू को चेंज नहीं होना देना चाहते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं लॉक। किसको लॉक करना है? D1 को। तो इसके लिए आप F4 की प्रेस करें आपके कीबोर्ड से, F4। तो दोनों तरफ, D के तरफ भी और 1, यानी दोनों ही लॉक हो जाएगा। से कहाँ तक? आगे का आप कोई भी चाहते हैं, आगे बढ़ जाए कोई इशू नहीं है। तो D1 से अब आप इसको कर्सर को रखिए, डबल क्लिक करिए। एरर हट गया क्या? क्योंकि यदि आप सेल एड्रेस में देखेंगे तो यहां पर D1 से है, यहां पर D1 से है, यहां पर D1 से है, यहां पर अब सेल रेंज चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जो कोर्स आप लेंगे उसकी फीस, यदि PGDCA तो PGDCA, DCA तो DCA, CPCT तो CPCT, ऑटोमेटिक आते हैं। क्लियर है मामला? कर पाएंगे? बढ़े आगे। और फॉल्स लिखा था मतलब उस कंडीशन को सपोर्ट, इफ में आता है, इसमें नहीं आएगा, हैज वैल्यू आएगा इसमें। फॉल्स है इसलिए क्योंकि उस कंडीशन को ट्रू नहीं कर पा रहा है। इफ फॉर्मूला या तो ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा, जब ट्रू नहीं हो रहा तो फॉल्स होगा। तो उसमें हमें कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि आखिर क्या कहाँ गलती है ना, और ऐसा बहुत परेशान करने वाला एक्शन। ठीक है, बढ़े क्या आगे? चल अब हम नेम वाला थोड़ा इनरोलमेंट पर चलते हैं आगे, कुछ कंडीशन के आधार पर। फिलहाल यहां पर हम ये मान ले कि 3 एडमिशन हमारे हुए, ये डेटा हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, माना कि एक तो अजय के नाम डाल देते, अजय क्या सर नेम? राणा। और डाल देते हैं अपने, ये 3 स्टूडेंट माना कि हमने डाल दिए। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टूडेंट जैसे ही आए, जो भी कोर्स हो उसके आधार पर फीस आ जाए। तो कोर्स तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी कोर्स है, कोर्स है माना कि PGDCA है, PGDCA है। तो यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है ये कोर्स फीस में, इसको हम डबल क्लिक कर देते हैं। जहां तक आप लागू करेंगे वहां तक ये लागू हो जाएगा, फिलहाल के लिए तो हैज ना आ रहा है, पर यदि हम यहाँ कोर्स सिलेक्ट करते हैं तो फीस आ रहा है। ये वाला मामला तो क्लियर हो गया। ठीक है, हैज ना भी आ रहा है उसको भी हटाएंगे, धीरे धीरे सारी समस्या हल करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट आए उसका एनरोलमेंट ऑटोमेटिक जनरेट हो। अभी तो हमने जनरेट किया, ठीक है, हम चाहते हैं क्या? ऑटोमेटिक जनरेट हो। तो यहाँ पर फिर हम एक फॉर्मूला असाइन कर देते हैं। एक नंबर हम रखेंगे, फिलहाल तो एक नंबर की जरूरत है, लेकिन फिलहाल हम एक नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। क्या कंडीशन देंगे? यहाँ पर हम फॉर्मूला देंगे इफ, यदि क्या हो, ये सेल एड्रेस, ये सेल कौन सा? C2 है, C2। ठीक है, यदि क्या हो? ब्लैंक हो। अभी ब्लैंक है तो बोले ब्लैंक हो, तब तो ब्लैंक ही आए, हमें कोई मतलब नहीं, कोई नाम नहीं है, मतलब कि कोई एडमिशन हुआ ही नहीं है, तो इसमें भी कोई वैल्यू नहीं है, हम चाहते भी नहीं है। तो हमने फंक्शन को थोड़ा उल्टा लगाया। अभी तक के मामले में क्या किया था कि ब्लैंक बाद में बता रहे थे कि ब्लैंक का है, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि यदि सेल में कोई वैल्यू नहीं हो तो कोई वैल्यू नहीं आए, अदरवाइज क्या करें? बोले अदरवाइज ये वैल्यू आ जाए। कौन सी वैल्यू? कॉमा, इसका एड्रेस हम दे देंगे A2। तो A2 में क्या है? 1 है। एंटर करते हैं, ये 1 आ गया। इसी फॉर्मूले को हम डबल क्लिक करके खींच देते हैं। बाकी जगह आया क्या? नहीं आया। माना कि कोई एडिशन आया, उदाहरण के तौर पर मैं अपना नाम टाइप कर देता श्री, तो इसकी वैल्यू यहाँ 0 है, तो ये 0 आई, लेकिन यहाँ हम कोई मान यदि देते हैं तो वो मान यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वैल्यू भी ऑटोमेटिक कैसे आए? तो हम इसमें इसका रो नंबर दे देंगे, एक वैल्यू इसको यहाँ लेकर के चलना पड़ेगा। यहाँ हम दे सकते हैं, रो का फॉर्मूला होता है रो कोष्टक, जो भी रो है वो रो नंबर प्लस 1। ये तो 3 है, 3
थ्री प्लस वन हो गया तो ये फोर आ गया, तो इसका है थ्री। देखिए रो जो फॉर्मूला है, पहले रो फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा। रो क्या करता है, जो भी रो है उसका रो नंबर दे देगा, तो यहाँ पर थ्री है तो ये थ्री लौटा दिया उसने। अब हम यदि थ्री में से वन माइनस कर दें तो ये वन नंबर है, ये टू है, तो जितना हमें जब चाहिए उतना आ जाएगा, यानी हमें चाहिए क्या यहाँ पर, टू ही चाहिए है ना। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं रो का, रो माइनस वन का फॉर्मूला, तो ये वन आ गया। डबल क्लिक करेंगे तो ये टू थ्री सारा आ जाएगा, ऑटोमेटिक ये नंबर आ जाएगा। ये भी आगे हम बात करेंगे कि नाम हो तभी आए, अदरवाइज नहीं आए, बात की प्रोसेस। फिलहाल के लिए तो रो नंबर आ गया, एक को माइनस कर दिया हमने उस रो में से। इस रो का नंबर क्या था, टू, और वो किसने दिया, खुद रो कमांड ने, उसमें से एक माइनस कर दिया तो क्या आ गया, वन। क्यों माइनस किया, क्योंकि एक रो पहले वाली में हमने फिल्ड दे रखे हैं, इसलिए हमने किया। आप यदि यहाँ पर दो रो को सिलेक्ट करते हैं तो उतना माइनस कर देना, ये आपके डेटा ऊपर के डेटाबेस के ऊपर डिपेंड करता है, और ये सब यूजर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या चाहता है। इसमें कोई डाउट नहीं, ये नंबर आ गए, जब ये नंबर आ गए तो ये नंबर ऑटोमेटिक आ गए, लेकिन ये नंबर तो हम क्या चाहते हैं, यूनिक कोड स्पेशल चाहते हैं, उसमें ऐसे चाहते हैं, कोर्स का कोड चाहते हैं, कि उसमें भी जैसे हम जुलाई अगस्त की बात करें, दो बार एडमिशन होते हैं विश्वविद्यालय की हम बात करें तो, अपने इसमें दो बार एडमिशन होते हैं, एक जुलाई में और एक जनवरी में। तो हम एक फिलहाल के लिए कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, राइट क्लिक करेंगे, या तो कॉलम इंसर्ट करें या रो इंसर्ट कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक रो इंसर्ट कर लेते हैं हम। ये यहाँ पर डिफाइन कर दें कि ये कौन सा सेशन है, यहाँ हमने लिख दिया जुलाई 2021, चलेगा मामला, क्योंकि 2021 जुलाई में एडमिशन हुए हैं आपके, तो जो भी स्टूडेंट हैं उनका हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी एक और डेटा शीट बनेगी सेम एज इट इज, जब जनवरी में एडमिशन होंगे तो उनके हम रिकॉर्ड इसमें मेंशन कर लेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे नामांकन से सब कुछ बात पता चल जाए, कौन से सेशन में आया है, किस कोर्स में आया है, ठीक है, और स्टूडेंट का नंबर क्या है, और नंबर वगैरह पता चल गया तो फीस तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी फिलहाल के लिए। यहाँ फिर वही मामला आया, तो अब हम क्या है, टू हो गया, यहाँ वन चाहते हैं तो माइनस क्या कर देंगे, टू, वन से सीरीज हो जाएगी, इसको हम डबल क्लिक कर देते हैं, ये आ गया। ये एक बार हमें सेट करना पड़ेगा, तो अभी हम सब बना रहे हैं, तो आप कहेंगे कितनी बार एडिट करेंगे, जहाँ जहाँ जैसे जैसे आवश्यकता लगेगी ऐसे हम उसको एडिट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए हमने ये कहा कि यदि ये ब्लैंक हो तो ब्लैंक आए, और यदि नाम हो तो नंबर आ जाए। अब एक और नाम डाल के देख लें, जैसे गोविंद हमने डाला, जैसे नाम आया नंबर आ गया, कोई भी आप नाम डालेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबर आ रहा है, नंबर वाली बात हमारी बन गई, ऑटोमेटिक आने वाली। लेकिन इसमें यूनिक कोड चाहते हैं, यूनिक कोड चाहते हैं, तो हमने दिया ए थ्री की वैल्यू आए तो ए थ्री तो बाद में आए, लेकिन उसके पहले क्या आए, तो हमने लिख दिया ए से शुभम एकेडमी। एंड क्या चाहते हैं, इसको डबल इंटेड में लगा देंगे शुभम एकेडमी को, तो फिर एंड लगाएंगे। अब हम कोर्स का कोड भी चाहते हैं, और कोर्स किस में लिखा है हमारा, डी थ्री में, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, लेफ्ट का लेफ्ट डी थ्री, और कितने कैरेक्टर चाहते हैं, वन, जो हमने पिछले उसमें लगाया था, ठीक है, कोष्टक बंद करेंगे, एंड लगा करके ए थ्री, तो ए थ्री में क्या है, वन है, तो ये आ गया एस डी डी वन, तो डी एन ए डी सी का कोर्स है, क्लियर है मामला। यदि हम इस फॉर्मूले को आगे खींचते हैं तो टेली का टेली आ जाएगा, ये टेली का टी आ गया, बेसिक का बी आ गया, पीजीडीसी का पी आ गया, सीपीसीटी का सी आ गया, यहाँ कोई कोर्स क्लियर ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन नाम है। यदि यहाँ पर स्टूडेंट पीजीडीसी का आता है, ये पीजीडीसी है, जैसे कोर्स सेलेक्ट किया फीस क्लियर हो गई, ठीक, क्लियर है मामला यहाँ तक। लेकिन हम इसमें भी क्या चाहते हैं कि एक तो डैश लिखा है और किस सेशन का है, कोर्स तो ठीक है, फिर हम सेशन भी चाहते हैं जुलाई है या जनवरी है, उसमें भी हम चाहते हैं कि 2020 का है कि 21 का है, ईयर भी हम चाहते हैं। तो हम यहाँ पर एक तो डैश लगा दें इसमें,
ये लगा दिया हमने, टेस आ जाएगा उसमें, इसमें नया कुछ भी नहीं है। डी के बाद हम सेशन चाहते हैं तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ये लैपटॉप का फॉर्मूला यहाँ खत्म हो गया। फिर हम एंड लगा करके क्या हम दे सकते हैं लैप्ट लैप्ट या पूरा दे दें जुलाई, कि J21 चाहते हैं, जे ना लेकर के जे और जनवरी। देखो दोनों का यदि जे जे लेंगे तो मामला गड़बड़ होगा, जनवरी में भी जे है और जुलाई में भी जे, तो ज्यादा अच्छा है कि JU ले लें हम, ठीक है ना, और JA ले लें, उसमें जनवरी में JA आ जाएगा और जुलाई में JU आ जाएगा, ठीक है, और 21-21 ऐसा का ऐसा आ जाए। तो हम यहाँ पर फिर असाइन करेंगे लेफ्ट का फॉर्मूला, लेफ्ट कोष्टक कहाँ से, इस वैल्यू में से, लेकिन जब हम इसको खींचेंगे आगे तो इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, सेल्स खींचेंगे तो B2 आएगा, जब फॉर्मूला को हम रेंज को, तो अभी हम F4 से लॉक कर दें, मामला समझ में तो नहीं आ रहा, लॉक करने वाला जो भी हमने बताया था F4 से, तो हम फिक्स है, ये फिक्स नहीं है लेकिन ये फिक्स है। तो हमने कहा B1 को लॉक कर दिया, डॉलर के सिंबल लगे हैं F4 से, कितने कैरेक्टर चाहते हैं इधर से, दो, ये दो दे दिए हमने, कोष्टक बंद, एंटर, ये आ गया D4, लेकिन ये डेट का फॉर्मेट है, कोई बात नहीं, यहाँ जो फॉर्मेट लिखा है ये डेट का फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है और आपको होम में जाना है, कस्टम की जगह यहाँ पर आप ले लेना है जनरल, ठीक है, और फिर आपको टाइप कर देना है जुलाई 2021, और फॉर्मेट चेंज कर रहा है, यहाँ तो हम लिखेंगे जुलाई, ठीक है, और 2021 यहाँ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो आइडेंटिफिकेशन ही तो चाहिए अभी फिलहाल, हम काहे को इसमें भूल जाएं। तो जुलाई का JU आ गया क्या, और यहाँ से 21 चाहते हैं, तो क्या हम यहाँ पर दे सकते हैं एंड, ये एंड का सिंबल लगा है, एंड क्या करे, लेफ्ट लेफ्ट नहीं, अब राइट, अब राइट लगा देंगे, राइट कहाँ से, इस टेक्स्ट से, कितने आए, 2, कोष्टक बन, एंटर, एक और इसका इधर का 1 भी चाहिए हमें, ठीक है, तो यहाँ पर एंड लगा देना, नहीं तो फिर एरर आ जाएगा। ठीक, ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया, हो गया, इसमें भी हम डैश चाहते हैं तो फिर एक और थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, फिलहाल के लिए इतना आप नोट करें और आज का इतना प्रैक्टिकल आप करें, तो लगता है कि नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है।